हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी मैं कुछ डिफरेंट सा हेयर स्टाइल आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाला हेयर स्टाइल जो है, ये बन हेयर स्टाइल है, इसका क्रिस क्रॉस बन है और देखिए साइड से कितना प्यारा लुक है। इसकी वीडियो मैंने शेयर कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज का भी कुछ यूनिक सा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल मैं आप लोग के लिए लेकर अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो वहाँ से पूछ सकते हो और वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर देना। और मैं अपनी रील्स वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। और एक और चैनल है जिसे मैं सिलाई का काम सिखाती हूँ, सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी सर्च करोगे तो आ जाएगा चैनल, न्यू है। तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, ताकि वहाँ पर मैं लाइव आके आप लोग को जो कटिंग स्टिचिंग में छोटी छोटी गलतियाँ करते हो ना, वो बता पाऊँ। तो चलिए आज का हेयर स्टाइल शुरू कर लेते हैं। तो हेयर स्टाइल बताने के लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ। तो इस हेयर स्टाइल में आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा सही तरीके से हेयर को खींच देना है, ताकि आपके हेयर में वॉल्यूम दिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे हेयर को सिंपली ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा टाइटली ट्विस्ट कीजिएगा और इस तरीके से इसको बनाते जाना है। ओके, एकदम लूज रखना है, ज़्यादा जैसे ट्विस्टिंग तो आपको टाइट करनी है, लेकिन जब आप ये बना रहे हो तो आपको लूज रखना है। ओके, और सिंपली इसमें यू पिन ऐड कर दोगे। आई होप कि ये हेयर स्टाइल तो सभी करते होंगे अपने घर में। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से अच्छा सा लुक दे देना है इसी हेयर स्टाइल के साथ। तो आपको ये वाला हेयर स्टाइल बनाने तो आता ही है, अब इसको बस थोड़ा सा किस तरीके से आप पार्टी बन में बदल सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये वाला हमने इस तरीके से बना लिया, अभी आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाना है। ओके, आप चाहो तो बॉबी क्लिप भी लगा सकते हो, ताकि आपका बन ज़्यादा देर तक टिका रहे। तो इस तरीके से खींच दोगे ना तो आपके बन का लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। जगह जगह से कहीं से भी आप खींच लो, जरूरी नहीं कि जहाँ से मैं खींच रही हूँ वहीं से, बस आपको किसी भी तरीके से इस तरीके का इसको मैसी सा लुक देना है। ओके, आपके बन को मैसी सा लुक दे देना है और ये हमारा बन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए कितना इजी है और कितना डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल सिंपल बन है जो हम लोग ऐसे ही ट्विस्ट करके अपने आप बन बना लेते हैं, और लेकिन बस इसको खींच देने की वजह से इसका लुक कुछ इस तरीके का आ गया है। तो फर्स्ट बन ये हो गया, इसके साथ आप गजरा लगा लो और अपना पार्टी वार्टी अटेंड कर सकते हो, साड़ी के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये बन आपका। तो चलते हैं सेकेंड बन के तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से डोनेट लेना है और अपने जस्ट पोनी के ऊपर इस तरीके से लगा देना है यू पिन की मदद से। दो तीन यू पिन लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पोनी नहीं लिया, पोनी के ऊपर हमने यहाँ पे इस तरीके से डोनेट को सेट करना है। ओके, इसको सेट करने के बाद से थोड़ा सा हेयर लेना है, जिससे कि आपका डोनेट कवर मतलब ढक जाए अच्छे से। ओके, और इस तरीके से फैलाते हुए बालों को डोनेट के चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से डोनेट को ढक लेना है। और यहाँ पे चारों तरफ से हमारा ढक गया है, अब यहाँ पे एक छोटा सा रबर बैंड आप लगा देंगे। डोनेट के जस्ट ऊपर इस तरीके से रबड़ को लगाना है और सारा जो भी आपका हेयर बचा हुआ है इसको आप इस तरीके से डोनेट के अंदर इन करना है और आपको यहाँ पे यू पिन लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से इसका लुक आ जाएगा। उसके बाद जो आपके हेयर बचे हुए हैं
इनको थोड़ा थोड़ा सा उनका पार्ट देना है और इसको राउंड राउंड इस तरीके से लपेट लेना है। ओके, इस तरीके से लपेटने के बाद फिर आपको सिंपली इस तरीके से लेके जाना है और यहाँ पे आपको यू पिन पे पैक करते जाना है। फिर से दूसरा लेयर लेना है, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से इसको भी आपस में लपेट देना है, सिंपली लपेट देना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका बहुत सुंदर सा लुक कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा आपको। और फिर जस्ट इस वाले जो आपने लपेटा था इस वाले हेयर के पास ले जाके इसको भी यू पिन से सेट कर देना है। फिर से तीसरा लेयर लेना है, बहुत ही सुंदर सा बन बन के रेडी होगा, बहुत ही इजी तरीके से आप बना लोगे। मेरे बाल छोटे हैं नहीं तो मैं खुद पे भी बना के ये दिखा देती ये वाला हेयर स्टाइल। इस तरीके से यू पिन से सेट करते जाओगे, पूरे बन को इसी तरीके से आपको बनाते हुए ढक देना है। ओके, तो यहाँ से मैं फास्ट कर देती हूँ वीडियो को। इस तरीके से बनाने के बाद से चारों तरफ से हमने इस तरीके से डोनेट को ढक दिया है। उसके बाद से आपको क्या करना है, जो आपका ऊपर हेयर बचा हुआ है इनको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको भी लपेट लेंगे। ओके, लपेट के इसको राउंड राउंड सा कर देंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे इसी तरीके से, सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से हमने ऊपर में इसको अटैच कर दिया है। अभी जो हमारा नीचे हेयर बचा हुआ है इसको आप सिंपली ट्विस्ट करेंगे करके इसको हल्का हल्का खींच देंगे, थोड़ा सा बाउंसी लुक दे देंगे और इसको सिंपली राउंड राउंड इस तरीके से लपेट लेंगे। और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यू पिन से इसको अच्छे से पैक कर देंगे। और ये आपका ब्यूटीफुल सा बन बन के रेडी हो जाएगा, अच्छे से यू पिन लगा लीजिएगा क्योंकि पार्टी वार्टी के लिए बना लीजिए। ओके, तो ये हमारा नीचे का लुक है बैक साइड से, ये हमारा बैक का लुक है, ये हमारा साइड का लुक है और ये इस साइड का लुक है और ऊपर से कुछ इस तरीके का लुक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगे हों और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप पार्टी में शादी में इस तरीके का बन बना सकते हो, अच्छे से इसको टाइट रखिएगा, लूज नहीं पड़ना चाहिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, आई होप कि पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस तरीके की यूनिक वीडियोज हेयर स्टाइल की वीडियोज देखने के लिए इसको टाइट रखना, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। ओके,